हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद बच्चों को क्यों दफनाया जाता है? क्यों नहीं किया जाता बच्चों का दाह संस्कार? क्या है इस बात के पीछे का रहस्य? दोस्तों, मृत्यु जिंदगी का एक सच है जिसे कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता, और ना ही कोई व्यक्ति इस सच से मुंह फेर सकता है। और इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद धर्म के अनुसार इंसान का क्रिया कर्म किया जाता है। किसी धर्म में शव को दफनाया जाता है और किसी धर्म में शव को जलाने की प्रथा है। लेकिन हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति के शव को जलाकर राख करने की रीति है, और उस राख को नदी में विसर्जित करने की मान्यता है। लेकिन अगर बात साधु संतों और बच्चों की जाए तो उनके शवों का दाह संस्कार न करके उनके शवों को दफनाया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? आज हम आपको इसी विषय में बताएंगे। आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते साधुओं और बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता? दरअसल साधु संतों के शवों को दफनाने के पीछे की मान्यता ये है कि साधु संत आम लोगों के मुकाबले ईश्वर से ज्यादा करीब होते हैं। इसके साथ ही उनमें सबसे अधिक मानवीय गुण होते हैं। शायद इसीलिए साधु संत ईश्वर के मार्ग पर आम लोगों से हमेशा आगे रहते हैं। समाज में आम लोगों के मुकाबले अधिक पूजनीय होते हैं, इसीलिए उन्हें कमल पुष्प की तरह बैठाकर दफनाया जाता है। इसी तरह अगर बच्चों को दफनाने की बात करें तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनका मन साफ होता है और उनमें किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता। साधुओं की भांति ही बच्चों की परम शुद्ध अवस्था होती है। यही कारण है कि बच्चों को भी दफनाया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी है तो हमसे साझा करें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कई और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।